KRS पार्टी कायम हुए से दिन है, जिसके आज साल पूरे 20 साल हुए हैं। आज KCR साहब, KTR साहब के आदेश पर सारे तेलंगाना में हर डिवीज़न में हर गली में जो है सो TRS पार्टी का झंडा लहराया जा रहा है। मैं KTR साहब को, KCR साहब को मेरी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं, और KCR साहब के दौर में इनकी गवर्नमेंट में आवाम बहुत खुश है, इसलिए कि शादी मुबारक स्कीम है, बच्चों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स है, और बेवाओं के लिए और गरीबों के लिए वजीफे हैं, और मजदूरों के लिए वजीफे हैं, और जो गवर्नमेंट आज तेलंगाना गवर्नमेंट जो स्कीम्स लाई है वो सारे हिंदुस्तान में ऐसे स्कीम्स नहीं हैं, इसलिए KCR साहब को आज नंबर वन CM कहा जा रहा है सारे हिंदुस्तान का। मैं आज ये उम्मीद रखता हूँ कि KCR साहब जैसा तेलंगाना में वर्क करे हैं, वैसे आज जो है सो दिल्ली में भी जो है सो पार्टी ऑफिस का फाउंडेशन स्टोन रखते हुए वहाँ पर भी झंडा लहराया गया है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि KCR साहब जैसा तेलंगाना में वर्क किए हैं, आवाम को खुश रखे हैं, वो मैं चाहता हूँ, सारी आवाम भी ये चाहती है कि KCR साहब की क़ियादत में सारे हिंदुस्तान में TRS का झंडा लहराया जाए, और सारे आवाम की जो है सो KCR साहब, KTR साहब मिलते हुए हम लोगों की यानी सारे हिंदुस्तानियों की खिदमत का मौका उनको दिया जाए। ये उनकी सलाहियतों से आज हमारा तेलंगाना बहुत खुशहाल है। मैं फिर एक बार KCR साहब का, KTR साहब का, और हमारे MLC कविता मैडम साहेबा का, और MLA बीगाला गणेश गुप्ता साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बीगाला गणेश गुप्ता साहब भी जब से MLA हैं यहाँ पर निज़ामबाद का बिल्कुल माहौल भी चेंज कर दिए हैं, और BT रोड्स और डिवाइडर्स और जो है सो जो जो भी सहूलत है आवाम के लिए, वो MLA साहब मेहनत करते हुए अब फंड्स ला रहे हैं और जो है सो आवाम को सहूलत पहुंचा रहे हैं। मैं MLA बीगाला गणेश गुप्ता साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, इसलिए कि मेरे डिवीज़न में भी उन्होंने मुझे फ़ंड देते हुए यहाँ पर देख रहे हैं आप गली गली में BT रोड और CC रोड जो भी डेवलपमेंट का काम है उनके जो है सो क़ियादत में चल रहा है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक बार मैं KCR साहब का, KTR साहब का को मुबारकबाद देते हुए इजाज़त चाहता हूँ। जय तेलंगाना, TRS पार्टी जिंदाबाद, KTR साहब जिंदाबाद, KCR साहब जिंदाबाद, गणेश अन्ना जिंदाबाद, जय जीवनाना, जय जय। आज सीनियर कॉन्स्टिट्यूंसी लीडर उस्मान हजरमी साहब के मकान पर तमाम म्युनिसिपल काउंसिल आरमूर के वाइस चेयरमैन मुन्नू साहब, सीनियर काउंसलर अब्दुल रहमान साहब और अतीक साहब, काउंसलर फैयाज साहब, इम्तियाज साहब, नज़ीर साहब, शाकिर साहब, और मेरे भाई हमारे निज़ाम भाई, तमाम लोग, आज वाकई हमारे लिए खुशी का दिन है, क्योंकि तेलंगाना की तारीख में जो तेलंगाना भवन के नाम से दिल्ली में आज जो 1300 गज़ पे पार्टी ऑफिस का संगे बुनियाद रखा गया है, आज ये दिन वाकई सुनहरा दिन है। ये संगे बुनियाद रखते ही हिंदुस्तान में एक ऐसी लहर आ जाएंगी जैसा कि तेलंगाना की जद्दोजहद में तेलंगाना की हर आवाम ने तेलंगाना को चुना है, क्योंकि देश का नेता हर कोई चाह रहा है KCR साहब के जैसा हो। उसी मकसद से आज TRS पार्टी को देश की पार्टी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि तमाम हिंदुस्तान लेवल पे देखें कि तमाम पार्टी फेल हो चुके हैं, सिर्फ एक ही पार्टी है जो तेलंगाना में आवाम के दुख दर्द गरीब हर एक जना तेलंगाना की पार्टी TRS पार्टी है बोल के बोल रहा है। इसी मकसद से आज TRS पार्टी आज फाउंडेशन दिन रखे, इसके सिलसिले में TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR साहब के अहकाम पर हमारे हरदील अजीज़ MLA पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के चेयरमैन
आली जनाब जीवन रेड्डी साहब ने तमाम काउंसलरों को और हमारे सीनियर लीडरों के साथ ये प्रोग्राम करते हुए आरमूर में परचम लहरा के और मिठाई तकसीम करते हुए मिठाई खिलाते हुए ये खुशी का इजहार करो और ये दिन ये महीने में घर घर को जाओ, गांव गांव को जाओ। आज हमारे लिए जश्न का दिन है फिर एक बार, क्योंकि आरमूर की तरक्की, आरमूर की सुनहरी तरक्की सिर्फ और सिर्फ जीवन रेड्डी साहब से है। और इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि कविता मैडम भी यहां पे नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन में रहने की वजह से पार्टी का उन्होंने भी रहते थे और इसके साथ साथ ये मौका दिए, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जय कविता मैडम, जय जीवन रेड्डी साहब, जय TRS, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। हाँ हेलो, दूर से नोटिस मार दे के सही खिलेंगे तो खा जाता है। जय तेलंगाना।